ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद में तेरे। नमस्कार दोस्तों, न्यूज चैनल्स अपने आप में मजाक का ऐसा मंच बन गए हैं ना कि इनमें चल रही कॉमेडी के सामने कपिल शर्मा कॉमेडी शो फीकी पड़ जाए। मगर आप अगर थोड़ा सा कुरेदें तो इस कॉमेडी के अंदर इस तरह की जहरीली जर्नलिज्म चल रही है ना जिसकी कोई हद नहीं है। अब मैं आपको एक ऐसा क्लिप दिखाने वाला हूं दोस्तों, इसे देखने के बाद मैं दावा कर सकता हूं आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। ये जो कॉमेडी आप देखने वाले हैं, जो सही मायने में जहर है, उसके सामने कपिल शर्मा कॉमेडी शो भी फीका पड़ जाता है। यहां पर न्यूज चैनल एक टीवी मौलाना को लेकर आई है। आपको याद होगा इस शब्द का इजाद आज से 2 साल पहले मैंने किया था, उन लोगों के लिए जो कथित मौलाना टीवी पर बैठ जाते हैं, इस्लाम और मुसलमानों के बारे में अनाप शनाप कहते हैं। इस क्लिप में आप देखेंगे किस तरह से टीवी की जो एंकर हैं वो इस टीवी मौलाना से कहती हैं कि आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जवाब में वो टीवी मौलाना कहता है कि मुझे इसका जवाब नहीं पता, मैं कोई मौलाना नहीं हूं, मैं टीवी मौलाना हूं। वो खुद कह रहा है मैं टीवी मौलाना हूं। यहां 2 सवाल खड़े होते हैं। पहली बात, उस व्यक्ति को अपनी शक्ल दिखाने के लिए वहां बैठने की क्या जरूरत थी, ऐसी इसकी क्या मजबूरी थी? क्या चंद पैसों के लिए आप अपने आप इस तरह से अपनी बेइज्जती करवाएंगे, अपने धर्म की बदनामी करवाएंगे? और दूसरा सवाल इस न्यूज चैनल से, अगर आपको इस्लाम से जुड़े किसी मुद्दे पर बहस करानी है तो आप जानकारों को बिठाए ना। मगर मेरा सबसे बड़ा सवाल, आखिर इन टीवी मौलानाओं को, इन इस्लामिक स्कॉलर्स को टेलीविजन पर बैठने की क्या जरूरत है? सीधी बात, इन न्यूज चैनल्स में जो डिबेट के नियम होते हैं वो पूरी तरह से माइनॉरिटीज के खिलाफ होते हैं। आप वहां बैठकर जो मर्जी कहिए, ये जो पूरी बिरादरी है ना टीवी मौलानाओं की, वो जितनी भी अनाप शनाप बातें करें, आखिरकार उन शोज के बाद वो टीवी मौलाना ही बदनाम होते हैं और उनके जरिए मुसलमान और इस्लाम भी। अब मैं आपको उस टीवी शो का ये 25 सेकंड का क्लिप दिखाना चाहता हूं दोस्तों, वो किसी कॉमेडी से कम नहीं है। देखिए, हल नहीं उठ सकता, या फिर आप हदीस को नहीं मानते, आप सिर्फ कुरान की आयतों को मानेंगे। आप मुझे क्लैरिटी दे दीजिए ना, कौन सी बात सही है, फिर मैं आगे डिबेट। नहीं नहीं, हदीस का हमारा मुताला नहीं है। यदि आप हदीस को नहीं मानते, सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर, हदीस पर हमारा मुताला ही नहीं है। ठीक है, तो भाई हमारा मुताला नहीं, मेरी स्टडी नहीं है उस पर ज्यादा। आपकी स्टडी नहीं है तो मौलाना कैसे बन गए? अरे मैं मौलाना ही हूं ही नहीं। अच्छा मौलाना नहीं, ये तो टीवी वाला मौलाना हूं मैं हाफिज गुलाम सरवर हूं। इसे आप जर्नलिज्म कहेंगे और वो टीवी मौलाना, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? मैं सीधे तौर पर कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि इसका दोष उस टीवी एंकर पर नहीं मढ़ा जा सकता है, क्योंकि एक न्यूज चैनल के अंदर कई स्ट्रक्चर्स होते हैं। वहां पर एक गेस्ट डेस्क होता है दोस्तों, वो गेस्ट डेस्क जो इन कार्यक्रमों में इस तरह के शख्सियतों को जो है निमंत्रण देते हैं और वो आकर बैठ जाते हैं। क्या उस गेस्ट डेस्क ने इस बात की पड़ताल नहीं की कि जिस मौलवी को, जिस लंबी दाढ़ी वाले मौलवी को आपने अपने शो में आमंत्रित किया है, क्या वो इस्लाम का जानकार है भी या नहीं? उसने आपके मंच पर आकर खुद की तो बेइज्जती करवा ही ली, आपको भी एक्सपोज कर दिया। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, इनमें से अधिकतर न्यूज चैनल्स को यह बात पता है कि जिन मौलानाओं को हम बिठा रहे हैं वो कोई इस्लामिक जानकार नहीं है। इनका मकसद यह है कि भाई हिंदू और मुसलमानों में जहर पैदा करने वाले शोज किए जाएं, उसके जरिए TRP हासिल की जाए और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की मदद की जाए। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ध्यान से उस बात को सुनिएगा। मैं उस चैनल का नाम नहीं लूंगा, ये वही चैनल है दोस्तों जिस मंच पर आकर एक पार्टी की नेता ने बहुत जहरीला बयान दिया था और उसके चलते अंतर्राष्ट्रीय तौर पर देश की बदनामी हुई थी। मुझे मेरे सूत्र बता रहे हैं कि इस चैनल में एक नया संपादक आया है और उस नए संपादक ने अपने तमाम लोगों से कहा है कि मुझे अब रोज हिंदू मुस्लिम पर डिबेट चाहिए, क्योंकि उस चैनल की रेटिंग बुरी तरह से गिर रही है। उस चैनल की यह हालत हो गई है कि बेचने की नौबत आ गई है।
अब इन्हें क्या लग रहा है कि एक ही तरीका हो सकता है टीआरपी बढ़ाने का, कि जहरीले हिंदू मुस्लिम डिबेट्स किए जाएं। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि उस चैनल के नए संपादक ने अपने पूरे वर्क फोर्स को फरमान के तौर पर कहा है कि हम इस तरह के डिबेट्स करेंगे। ये ऊपर से जहनी तौर पर इस कदर खाली हो चुके हैं दोस्तों कि इनके पास इतना भी दिमाग नहीं है कि टीआरपी रेटिंग्स कैसे बढ़ाई जाए। और ये टिप्पणी कहीं ना कहीं दर्शकों पर भी है, वो दर्शक जो इस तरह के कार्यक्रम देखते हैं, क्योंकि अगर इन न्यूज चैनल्स को लग रहा है कि इस तरह के जहरीले डिबेट्स करके न्यूज में रेटिंग्स मिलेंगी, तो शर्म की बात सिर्फ उन न्यूज चैनल्स के लिए नहीं है, शर्म की बात आप यानी दर्शकों के लिए भी है। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं आपके स्क्रीन पर। यह है लखनऊ के पत्रकार विजय यादव। विजय यादव, आप जानते हैं इस वीडियो में क्या कह रहे हैं। विजय यादव कह रहे हैं कि अब खुद को रिपोर्टर कहने में शर्म आती है, पत्रकारिता एक शर्मसार करने वाला पेशा बन चुका है। वो कहते हैं कि यहां लखनऊ में बैठकर मैं भारतीय जनता पार्टी की आलोचना नहीं कर सकता, न्यूज चैनल की तरफ से हमें साफ तौर पर फरमान दिया गया है कि आप बीजेपी के बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे, आप प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कोई शब्द नहीं कहेंगे, आप मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। वो कह रहे हैं कि रोज यहां बैठे बैठे मैं अपने जमीर को मार रहा हूं। मैं चाहूंगा कि आप विजय यादव की बात सुने और आप देखें कि हमारे न्यूज चैनल्स में दरअसल चल क्या रहा है। पत्रकार कहने में शर्माती अपने आप को, रिपोर्टर कहने में शर्माती, अब तो नौकर है, न्यूज चैनल की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अब लग रहा है कि बहुत ज्यादा इनफ हो गया है और हो नहीं पाएगा। पेट के लिए इस जमीर को, जो अंदर का जमीर है, उसे कब तक मारेंगे? या फिर लग रहा है कि ये पूरी तरह से मर जाए जमीर, उसे पहले बचा लिया जाए इस जमीर को मरने से, क्योंकि जमीर मर गया तो शायद स्वयं भी मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो मसला ये है कि न्यूज नेशन में साफ इंस्ट्रक्शन है रिपोर्टर्स को, सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, मोदी योगी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना, भाजपा के किसी नेता के खिलाफ नहीं बोलना है, मन कर रहा है बोलने का किसी के खिलाफ या उसकी पॉलिसीज के खिलाफ, उसकी कार्यकलापों के खिलाफ या उसका सच्चाई बोलने का बहुत मन कर रहा है, तो राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, मायावती हैं, अखिलेश यादव हैं, इन सब की जितनी चाहे उतनी बैंड बजाओ, तो मतलब ऊपर बैठे जो चंपादक, संपादक कहना अपमान होगा संपादकों का, जो चंपादक बैठे हुए हैं उनकी तरफ से भी बड़ा प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, लहालोट होते हैं कि क्या शानदार है। आज जो मैं आपको दोनों खबरें दिखा रहा हूं, एक तरफ एक रिपोर्टर की बेबसी है जो रिपोर्टिंग करना चाहता है मगर किस तरह से न्यूज चैनल्स उन्हें रोक रहे हैं, यह दावा वो रिपोर्टर कर रहा है, और दूसरी तरफ किस तरह से न्यूज चैनल में कथित टीवी मौलाना बुलाए जाते हैं और वो अनाप शनाप बातें करते हैं। और यह पहली बार नहीं है, इससे पहले कई बार आपने इन मंचों पर देखा है इन टीवी मौलानाओं को बकवास करते हुए। मैंने वो मिसाल आपको कई बार दी है दोस्तों, मैं नहीं भूला हूं, आज तक पर एक डिबेट चल रहा था, वो खबर थी एक मुस्लिम लड़की के बारे में, वो मुस्लिम लड़की जो बहुत ही खूबसूरती से गीता के श्लोक बोलती हैं, उसे टीवी चैनल ने अपने मंच पर बिठाया हुआ था और उसके सामने दो लंबी लंबी दाढ़ी वाले टीवी मौलाना बिठा दिए थे। वो लड़की बहुत खूबसूरत उच्चारण कर रही थी गीता के श्लोकों का और वो टीवी मौलाना वहां बैठकर उसके बारे में अनाप शनाप बातें कर रहे थे कि हमारा मजहब इस बात की इजाजत नहीं देता, ये जिस तरह से गीता के श्लोक पढ़ रही हैं ये ठीक नहीं है। उस चैनल से मैंने उस वक्त भी सवाल किया था और आज दोबारा उस सवाल को दोहराना चाहूंगा। वो लड़की जिस खूबसूरती से गीता के श्लोक बखान कर रही थी, क्या उस खूबसूरती को दर्शकों के सामने रखने के लिए आपको दो टीवी मौलानाओं की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि आपका मकसद, वो लड़की जिस खूबसूरती से गीता के श्लोक पढ़ रही थी वो अपने दर्शकों के सामने पेश नहीं करना था। आपका मकसद था कि आप टीवी मौलानाओं को लाएं, वो टीवी मौलाना अनाप शनाप कहें और उससे मुसलमानों के बारे में लोगों के अंदर जो है वो नफरत पैदा हो, भ्रांतियां पैदा हो। ऐसी ढेरों मिसालें हैं दोस्तों जहां एक बुर्का पहनी हुई मां अपने बेटे को ले जा रही है और वो बेटा भगवान कृष्ण बना हुआ, ऐसी ढेरों मिसालें, ऐसी मिसालें न्यूज चैनल्स क्यों नहीं पेश करते?
और अगर वो एक मुस्लिम लड़की को गीता का श्लोक पढ़ते हुए बताते भी हैं तो आखिर क्या वजह है कि उसके जरिए भी वो नफरती जर्नलिज्म करना चाहते हैं, नफरती पत्रकारिता करना चाहते हैं। आज जो मैंने आपको तमाम चीजें बताई ये आज के न्यूज चैनल्स की हकीकत है दोस्तों, और जो मैंने आपको एक अहम जानकारी दी थी कि किस तरह से एक न्यूज चैनल का संपादक कह रहा है कि अब मुझे रोज हिंदू मुस्लिम डिबेट चाहिए, मुद्दा सिर्फ टीआरपी का नहीं है, चुनावों को 2 साल से कम का वक्त रह गया है, भाजपा को हर कीमत पर जीतना है और भाजपा जानती है कि प्रचार तंत्र में जितना ज्यादा जहर होगा, जितना ज्यादा हिंदुओं को भड़काया जाएगा, जितना ज्यादा हिंदुओं को डराया जाएगा ये कह कहकर कि हिंदू खतरे में हैं, उतनी ही आसानी से भाजपा को वोट्स भी मिलेंगे। ये हकीकत है, ये बात तो भाजपा भी जानती है ना, मगर इसके जरिए मेरे देश को कितना नुकसान पहुंचाया जा रहा है क्या इन लोगों को इस बात का आभास है? ये चैनल के संपादक, ये चैनल के एंकर्स, ये चैनल के पत्रकार जब अपने घर जाते हैं, अपने बच्चों के चेहरों को देखते हैं तो क्या इन्हें इस बात का आभास होता है कि तुम अपने आप में इस तरह की हरकतें करके समाज के साथ किस तरह की नाइंसाफी कर रहे हो, अपने बच्चों के भविष्य के साथ किस तरह का खिलवाड़ कर रहे हो? विजय यादव जिनकी आवाज मैंने आपको सुनाई थी उन्हें इस बात का आभास हो गया है, वो इस बात को समझ चुके हैं कि मैं जितना ज्यादा इन जहरीले न्यूज चैनल्स में रहूंगा उतना ज्यादा नुकसान मैं अपने बच्चों का करने वाला हूं। उसने पत्रकारिता को शर्मिंदा करने वाला पेशा बता दिया, जो एक हकीकत है और उसके अलावा कुछ नहीं। अब एसआर शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।